हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। माय सेल्फ प्रोफेसर आरसी चौहान, आरसीसी सर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, ओरिएंटेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही मेहनत करना पड़ती है, ठीक है, और बहुत ही लगन के साथ में यदि इस मेहनत को यदि आप करते हैं तो दोस्तों मैं आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप अपना फ्यूचर या अपना करियर आप इसी सब्जेक्ट के बेसिस पर आप बना सकते हैं कि यदि आपको अच्छे से प्लानिंग करना आती है दोस्तों, बिल्डिंग की प्लानिंग यदि आपको अच्छे से आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट के बेसिस पर, ठीक है, केवल प्लानिंग के बेसिस पर आप अच्छे से अच्छे जॉब आप कर सकते हो। हाँ दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए है, ठीक है, जो अपना एक नया मकान, जो अपना एक नया सपनों का घर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये उन सभी के लिए है जो अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अपने मकान को वो किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करें, ठीक है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा दोस्तों, ठीक है। उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि यदि आप नया मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको प्लानिंग किस प्रकार से करना है कि किचन आपको कहाँ पे रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, बेडरूम आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, इस प्रकार से लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, एक्स वाई जेड जो भी आप बिल्डिंग्स के अंदर अपने मकान के अंदर जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट करें कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमको वेंटिलेशन बोल सकते हैं उसको, हवा का, ठीक है, सर्कुलेशंस, इसके अलावा प्रॉपर हमारे घर के अंदर लाइट हो, मतलब आपको दिन में भी आपको पंखे और लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, इस वीडियो को देख के आप अपने घर की खुद प्लानिंग कर पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ओरिएंटेशन और प्रिंसिपल प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, गीता देवी एजुकेशन अकेडमी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक। चले हैं आज की लेक्चर की ओर। जी हाँ, प्रिंसिपल्स एंड बिल्डिंग प्लानिंग। प्रिंसिपल्स क्या है दोस्तों बिल्डिंग प्लानिंग को, ठीक है, यदि हम कोई बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना है। जी हाँ, प्रिंसिपल्स जो है दोस्तों आपको बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट की, यदि आपको उसके प्रिंसिपल्स नहीं पता है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स नहीं पता है, ठीक है, तो दोस्तों आप प्लानिंग नहीं कर पाए। प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, द टर्म प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग रिफर्स टू मीन द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए बिल्डिंग ऑन ऑल द फ्लोर्स एंड एट ऑल द लेवल्स। हर लेवल पर, हर फ्लोर पर जो भी हम यूनिट्स उसके अंदर रखने वाले हैं, बिल्डिंग की यूनिट्स जो भी हम उसके अंदर रखने वाले, एलिमेंट्स जो हम उसके अंदर पुट अप करने वाले हैं दोस्तों, लाइक हमारे सोफा हो गया, फर्नीचर हो गया, किचन हो गया, डोर विंडोज़, ये इसका अरेंजमेंट हम किस प्रकार से करें, कहाँ पे कौन सा बेडरूम रखना है दोस्तों, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, और वो हम वन बाय वन करके एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको प्लानिंग में रिमेंबर करना है, कौन कौन से आपको माइंड में आपको याद रखना है। There are certain general principles which as engineer should bear in mind while planning a building. ठीक है, कुछ general principles है दोस्तों यहाँ पे, जब engineer जब planning करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जो आपको planning जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल वास्तु के according होगी, वास्तु के अनुसार होगी, ठीक है, वास्तुशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग होगी, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल्स आर, जी हाँ दोस्तों, यही हमारे बिल्डिंग प्लानिंग के प्रिंसिपल्स है जो कि हम जब प्लानिंग करते हैं किसी भी बिल्डिंग्स की तो ये हम माइंड में रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा यूनिट्स जो है हमको वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है और किस प्रकार से प्रोवाइड करना है दोस्तों, ठीक है। पहला है हमारा प्रिंसिपल, से हम बात करते हैं आस्पेक्ट दोस्तों, ठीक है, पहला प्रिंसिपल से सबसे इम्पोर्टेंट जो हो दोस्तों वह हमारा है आस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों माना जाता है बिल्डिंग्स के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला यूनिट्स, ये वाला प्रिंसिपल्स आस्पेक्ट, ठीक है। यदि आपने आस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा है तो दोस्तों आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपकी पूरी, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंसिपल्स जब हम प्लान करते हैं दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो यूनिट्स होता है, जो प्रिंसिपल्स होता है, वो तो हमारा आस्पेक्ट या एस्पेक्ट बोल सकते हो। सेकंड होता है दोस्तों प्रॉस्पेक्ट, उसके बाद आता है हमारा प्राइवेसी,
फिर ग्रुपिंग, रूमिनेस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, देन फर्नीचर रिक्वायरमेंट, देन सर्कुलेशन, एलिगेंस, इकोनॉमी एंड सैनिटेशन, एंड लास्ट में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको जब हम प्लानिंग करते हैं बिल्डिंग्स की तो इनको आपको माइंड में रखना होता है। यदि आप लोगों के माइंड में भी दोस्तों ये प्रिंसिपल्स यदि हैं तो आप खुद भी दोस्तों प्लानिंग कर पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों एस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यूनिट जो प्रिंसिपल्स होता है दोस्तों बिल्डिंग प्लानिंग में, वही हमारा क्या होता है, एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट का मतलब एक तरह से दोस्तों बता सकता हूँ कि ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी यूनिट्स का अरेंजमेंट आप बिल्डिंग्स के अंदर मकान के अंदर अपना कर रहे हैं तो उसका आप किस प्रकार से करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ मिले। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमको सनलाइट मिले प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, ना ज़्यादा मिले ना ही कम मिले। इसके अलावा एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो घर के अंदर, हमको पंखा जलाने है ना चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कम से कम पड़े। इसके अलावा दिन में भी हमको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों, जी हाँ, दिन में हमको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए और ना ही पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कैसे आप उसका बेनिफिट उठाते हैं, है ना, तो उस प्रकार से आपको एस्पेक्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एस्पेक्ट में आपको वन बाय वन करके बताता हूँ मैं। एस्पेक्ट कि हम यदि बात करते हैं तो डिफरेंट रूम्स ऑफ बिल्डिंग्स आर प्लेस्ड, ठीक है, एंड लोकेटेड अकॉर्डिंगली टू द फंक्शनल यूटिलिटी इन सच ए वे दैट मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिली जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ये नेचुरल एलिमेंट्स ये लाइक सन, ठीक है, विंड कैन बी ऑप्टेन, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। टू ऑप्टेन सफिशियंट सनलाइट इनसाइड द रूम विंडोज आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल वॉल्स। ठीक है, यदि हमको सफिशियंट लाइट यदि हमको चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर सर्कुलेशन चाहिए, तो हमको डोर और विंडो की लोकेशन हमको इस प्रकार से रखना पड़ेगी कि हमको ऑप्टिमम अमाउंट में हमको दोस्तों उसका यूटिलाइजेशन मिले। अब हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले ही हम बात करते हैं कि किचन का एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, मतलब किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हमारी फेसिंग की या डायरेक्शन की बात हो रही है। किचन की हम बात करते हैं तो किचन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, कि खाना बनाना, ठीक है, सुबह खाना बनता है, शाम को खाना बनता है, मतलब सुबह और शाम हमारा गीला होता है। इसके अलावा दिन में भी यदि आप मान लो कुछ बना रहे हैं, चाय नाश्ता वगैरह बना रहे हैं, तो दिन में भी वहाँ पर हमको क्या काम पड़ता रहता है, तो उस केस में किचन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ड्राइंग रूम या जो हमारा लिविंग रूम होता है जिसको हम हॉल बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम समय हम बिताते हैं दिन का समय, ठीक, इसके बाद हमारा बेडरूम आता है। बेडरूम तो केवल हम रात के समय यूज़ करते हैं या जहाँ पर भी हमको रेस्ट करना है उस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा किचन, कि किचन की लोकेशंस या डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जिससे सनलाइट के थ्रू, एयर सर्कुलेशन के थ्रू घर के अंदर का जो भी नमीस वगैरह मॉइस्चर कंटेंट दोस्तों वो आसानी से रिमूव हो जाए या सूख जाए, या जो भी हमारे किचन के अंदर बैक्टीरिया से दोस्तों वो क्या हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए सनलाइट के थ्रू। ठीक है, तो किचन का यदि हम एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो किचन शुड है विंडो इन ईस्ट। क्या बता रहा हूँ मैं कि किचन के अंदर जो इस डायरेक्शन है उसमें विंडोज़ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मॉर्निंग सन इसके है ना, मॉर्निंग सन केल्स द जर्म्स, की जो भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह, तो आपका जो किचन है उसमें यदि हमारे ईस्ट वाली डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन में हमारे ईस्ट वाली डायरेक्शन में एक विंडो का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उस दर से हमारा क्या आता है, सन का लाइट आता है। ठीक है, सनलाइट की वजह से जो भी हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, सनलाइट में किल हो जाते हैं, मर जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा घर के अंदर जो भी हम खाना वगैरह बना रहे हैं, जो भी हम नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों, तो एक तरह से हमारा सेफ होता है, कम से कम बीमारी या ना के बराबर हमको बीमारी होगी किसी को भी। सो किचन शुड हैव ईस्टर्न डायरेक्शन दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि हम एस्पेक्ट की हम बात करें कि किचन जो होना चाहिए वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टर्न एस्पेक्ट मतलब ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है दोस्तों, ठीक है, ईस्ट वाली डायरेक्शन से लगा कि साउथ वाली जो डायरेक्शन है दोस्तों, तो इस वाले कोने में आप कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे ईस्ट नॉर्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हमारा नॉर्थ होता है ऊपर, ठीक है, उसके बाद इधर होता है हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, नीचे हमारा साउथ होता है दोस्तों, ठीक है, और इधर होता है हमारा वेस्ट। तो ये वाला जो कॉर्नर है दोस्तों, ठीक है, इससे लगा कि साउथ वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आप कहीं भी दोस्तों आप अपने किचन को प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि दोस्तों यदि हमने यहाँ पे इस वाले नॉर्थ सॉरी ईस्ट साउथ में यदि हमने प्रोवाइड किया है दोस्तों, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है किचन को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं कि बेडरूम का एस्पेक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों। तो बेडरूम की यदि हम बात करें, ठीक है, तो बेडरूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम समय कहाँ पे बिताते हैं दोस्तों, तो नाइट के समय हम बिताते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेडरूम रूम की यदि हम आस्पेक्ट की बात करते हैं, तो बेडरूम रूम इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जनरली यूज इन नाइट, जनरली यूज इन नाइट टाइम फॉर स्लीपिंग, सो इवनिंग सन रेज विच आर कूल इन नेचर शुड इंटर द बेडरूम टू क्रिएट चीयरफुल एटमोसफियर दोस्तों। तो शाम के समय की जो सनलाइट होती है दोस्तों, वो एक तरह से थोड़ी सी कूल वाली होती है, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहती, एक तरह से फायदेमंद रहती है दोस्तों। तो वो यदि हमारे घर के अंदर खिड़की के थ्रू, ठीक है, यदि वो हमारे घर के अंदर बेडरूम के अंदर दोस्तों यदि इंटर हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सो बेडरूम शुड हैव वेस्टर्न एस्पेक्ट, साउथ वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न एस्पेक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमारा बेडरूम का जो लोकेशन है, यदि इस प्रकार से हमने बेडरूम की लोकेशन की है कि वो हमारा वेस्टर्न वाली डायरेक्शन में, वेस्ट वाली या साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उधर से जो हमारे शाम के समय की जो दोस्तों लाइट आती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रूम भी हमारा हल्का सा गर्म भी हो जाता है, और उसके लिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम या अपना जो लिविंग रूम होता है दोस्तों, उसको कहाँ पे रखना है, तो इट इज़ ए रूम विच इज़ यूज फॉर ऑक्यूमेंट्स फॉर मैक्सिमम हावर्स ऑफ द डे। लिविंग रूम जहाँ पे दोस्तों हम दिन के समय में जो हमारे लिविंग हॉल जिसको हम बोलेंगे, ड्राइंग रूम बोलते हैं जिसको, या ड्राइंग हॉल बोलते हैं, ठीक है, तो वो रूम होता है दोस्तों जहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी डे के समय, दिन के समय हम ज़्यादा उसको यूटिलाइज करते समय बिताते हैं। टू अचीव गुड, तो इसके लिए दोस्तों यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, तो उसके लिए हमारी जो सनलाइट होना चाहिए कितनी होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन से आना चाहिए या ईस्ट वाली से आना चाहिए, तो इसके लिए अब देखते हैं कि टू अचीव गुड सनलाइट इट शुड बी प्लेस्ड इन साउथ और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दोस्तों यदि आपको प्रॉपर अमाउंट में यदि आपको सनलाइट चाहिए, आपको एयर सर्कुलेशन चाहिए, तो हमारा जो ड्राइंग रूम जो है, लिविंग रूम जो है दोस्तों, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दोस्तों हमारा होगा तो बेस्ट रहेगा। और विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड इन एक्सटर्नल वॉल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि विंडो यदि आपने प्रोवाइड नहीं किए दोस्तों, तो आपको ना एयर सर्कुलेशन हो पाएगा ना सनलाइट का सर्कुलेशन हो पाएगा, ठीक, तो विंडोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्टडी रूम। स्टडी रूम दोस्तों हम बात करते हैं सुबह सुबह हमारा मन अच्छे से लगे, ठीक है, तो उसके लिए जो एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, जो सनलाइट का जो सर्कुलेशन होना चाहिए, हमारे घर के अंदर इंटर करना चाहिए, तो दोस्तों वो किस दिशा जाना चाहिए ताकि हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे, हमारा दिमाग जो है, तो माइंड जो है, वो एक जैसा एक एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन हमको मिले वहाँ पे। तो स्टडी रूम की हम बात करते हैं दोस्तों, तो विंडोज इन दिस रूम शुड बी नॉर्थर्न साइड टू ऑप्टेन सफिशेंट लाइट थ्रू आउट द डे। यदि आपका स्टडी रूम है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे जो विंडोज़ ही स्टडी रूम के अंदर वो नॉर्थ साइड में यदि दोस्तों आपने प्रोवाइड की है, तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेशन और प्रॉपर लाइट भी दोस्तों हमको मिलती रहती है। सो एस्पेक्ट ऑफ दिस रूम इज नॉर्थ, ठीक है, तो आपको नॉर्थ वाली डायरेक्शन में हमको क्या रखना है दोस्तों, स्टडी रूम को रखना है, यह आप ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कि वरांदा दोस्तों हमको कहाँ पे रखना है। तो वरांदा की हम बात करते हैं, देर शुड बी सफिशियंट लाइट इन द अबव यूनिट थ्रू आउट द डे, सो दे शुड प्लेस्ड विद ओपनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में यदि हमारा वरांदा है दोस्तों, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी क्या रहती है, एयर सर्कुलेशन और डे लाइट हमको दोस्तों मिलती रहती है, तो उसके लिए आपको वरांदा नॉर्थ वाले जो डायरेक्शन है वहाँ पे यदि हमने रख रखा है उसको, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेस्ट वाली जो कंडीशन है वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वन बाय वन करके, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ प्लान बनाया है दोस्तों, ये ईस्ट फेसिंग वाला है, ठीक है, जिसका मुंह है दोस्तों वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट वाला रोड निकला हुआ है सामने, ठीक है, ईस्ट की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ इसका मुंह है बिल्डिंग्स का दोस्तों। जी हाँ, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ये किचन है, ये यदि हमारे ईस्ट वाली डायरेक्शन यदि है दोस्तों, ये क्या है हमारे ईस्ट वाली डायरेक्शन है, और यदि किचन, मैंने बोला कि इस किचन को हमने कहाँ पे ईस्ट हो गया दोस्तों, और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है, और इधर दोस्तों हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा, ठीक है, और इधर हमारा रहेगा दोस्तों साउथ रहेगा। तो देखिए मैंने किचन का क्या बोला था कि ये वाली जो डायरेक्शन है इस कोने में यदि आप प्रोवाइड करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो साउथ और ईस्ट वाली या ईस्टर्न डायरेक्शन या साउथ से लगा कि इस तक यदि आप प्रोवाइड करेंगे दोस्तों तो सबसे बेस्ट माना जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर आप विंडोज़ प्रोवाइड करेंगे तो जो भी एयर सर्कुलेशन सनलाइट होगी दोस्तों सुबह सुबह वाली या दोपहर वाली भी दी होगी तो हमारे घर के अंदर एंटर होती है, जिससे हमारे घर के अंदर के जो भी जम्स वगैरह रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं दोस्तों, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा पोर्च देखा है जहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो पार्क कर रखी है दोस्तों। ठीक है, मैंने बोला कि वरांदा एक तरह से इसको बोल सकते हो, जहाँ पे हमने गाड़ी को पोर्च कर रखी है, ये हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन में या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में दोस्तों। इसके बाद हमारा हाल हाल का मैंने बताया था, ये भी नॉर्थ वाली जो हमारी ईस्ट से लगा के, ठीक है, इस वाली दिशा में क्या बोला था, तो ये भी इसी प्रॉपर डायरेक्शन में है दोस्तों। और उसके साथ में दोस्तों मैंने डाइनिंग रूम को भी अटैच कर दिया है, ठीक है, किचन के साथ में डाइनिंग रूम को भी अटैच कर दिया है हाल के साथ में ही, ठीक है, जो कि किचन से लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तो पीछे की तरफ हमारा बेडरूम है दोस्तों। तो मैंने बताया था कि ये वाली जो डायरेक्शन है पीछे वाला डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला जो कोना रहता है तो शाम के समय वाली जो लाइट रहती है दोस्तों सनलाइट रहती है वो हमारे लिए फायदेमंद रहती है। ठीक है, यदि हमारे यहाँ पे घर के अंदर यदि विंडोज़ होगी, इस प्रकार से विंडोज़ होगी तो हमारे लिए घर के अंदर एयर सर्कुलेशन भी ठीक ठाक होगा और विंडोज़ के कारण घर के अंदर लाइट भी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी दोस्तों, तो हमारे घर के लिए हमारे लिए रात के समय फायदेमंद रहेगी दोस्तों। इसके अलावा एक हमने बेडरूम यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है जिसको हमने मास्टर बेडरूम भी बोल रखा है, ठीक है, जिसके साथ में टॉयलेट्स भी हमने लेट बाथ भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिल्डिंग्स की प्लानिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बिल्डिंग का प्लान बना सकते हैं यदि आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा आप देखना ना भूलें। सॉरी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे मैंने एक और प्लान बता रखा है कि आपको प्लानिंग किस प्रकार से करना है, कौन सा अरेंजमेंट या कौन सी यूनिट्स को आप कहाँ पे प्लेस करने वाला है, किस लोकेशन में। ठीक है दोस्तों, तो एक प्लान और दे रखा है, ये भी हमारे ग्राउंड का ही, ठीक है, ये यहाँ पे पार्किंग दे रखी है, यानी वरांदा हो गया। उसके बाद ये हमारा किचन हो गया दोस्तों, ये भी हमारा नॉर्थ फेसिंग ही है दोस्तों, जैसा पहले बताया मैंने वही का वही एक तरह से इसको बोल सकते हो। ठीक, इसके बाद ये हमारा लिविंग हॉल हो गया जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। ठीक है, इसके बाद इसमें किचन के साथ में दोस्तों हमने इसको डाइनिंग रूम को भी हमने अटैच कर रखा है, किचन कम डाइनिंग रूम, ठीक है, बोला गया है किचन कम डाइनिंग रूम। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या किया था कि इसमें जो हमारा हाल था, हाल के साथ में हमारा डाइनिंग रूम दोस्तों अटैच था। इस वाले में हमने क्या किया, किचन को थोड़ा बड़ा कर दिया है और किचन के साथ में हमने डाइनिंग अटैच कर दिए, टेबल अटैच कर दिए। ठीक है, हाल को हमने अलग कर दिया है और बेडरूम हमारा इसमें एक ही है दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं 1 BHK रूम है दोस्तों। यहाँ पर ये 1 BHK जिसके अंदर एक बेडरूम में एक हाल है और एक किचन है, ठीक है, और डाइनिंग रूम उसमें अटैच है। इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या था, 2 BHK था। इसके अंदर क्या था हमारा, 2 BHK, दो बेडरूम थे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, एक हाल था और उसके बाद एक किचन जिसके अंदर डाइनिंग रूम हमारा अटैच था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक और भी मैंने दोस्तों आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये भी दोस्तों जो हमारा है, ये भी हमारा वही वाला फेसिंग है, ईस्ट वाली फेसिंग में ही है दोस्तों। ठीक है, ईस्ट फेसिंग या पूर्व दिशा वाला जो हमारा मकान है वही वाला है। तो इसके लिए दोस्तों ये पार्किंग एरिया दे रखा है इधर मेरे पीछे की साइड में। ठीक है, यह हॉल हो गया है और उसके बाद ये सामने की साइड में ना ये हमारा इंटर है, मेन गेट यहाँ पर, ये हमारा किचन प्लस डाइनिंग रूम है। इस प्रकार से ये बेडरूम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रंस रूम, या इसको भी आप बेडरूम्स बोल सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने अलग अलग 3 प्लान बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट आप इसको देख के आप कर सकते हैं यदि आप अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे हैं या बनाने वाले हैं आगे फ्यूचर में। तो ठीक, इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके पास छोटी साइज का यदि मकान है दोस्तों, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लान बनाया है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने किचन या फिर आप इसको शॉप भी बोल सकते हो कि यदि आपका रोड के शॉप में मेरा, ठीक है, यदि यहाँ पर आपका रोड निकला हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको शॉप बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, स्टेयर हो गए, उसके बाद ये हॉल हो गया दोस्तों, ड्राइंग रूम हो गया है, उसके बाद ये किचन प्रोवाइड कर दिया है, इसके बाद ये लेट बाथ और ये हमारा बेडरूम हो गया दोस्तों। तो ये 1 BHK दोस्तों और एक छोटी साइज वाला है बिल्कुल ये, ठीक है, ये 15x50 की साइज़ का प्लॉट है दोस्तों। ठीक है, एक साइज ये भी देखिए हमने 30x40 का दे रखा है, तो इसमें भी हमने 1 BHK दे रखा है। ठीक है, एक हॉल है, एक दो बेडरूम है और उसके अलावा एक किचन है दोस्तों, और उसके बाद साइड से हमने पार्किंग भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में हमारे ये जो स्टेयर है वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। आप पार्किंग में यहाँ पे कार नहीं आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल क्या आएगी हमारी, क्या आएगी, केवल जो बाइक वगैरह है जो छोटे हैं वही केवल आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारा जो मैंने बताया कि किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता देना चाह रहा हूँ कि किचन का मैंने बताया कि ईस्टर्न एस्पेक्ट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में हमारा किचन होना चाहिए और उस डायरेक्शन में जो विंडोज़ होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, सफिशियंट, जिससे लाइट और एयर का सर्कुलेशन हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा किचन हो जाएगा।
ठीक है, घर के अंदर देख रहे हैं दोस्तों आप एयर सर्कुलेशन या लाइट जो हो रही है प्रॉपर अमाउंट में आ रही है, जिससे जो भी बैक्टीरिया जो रहते हैं ये दोस्तों हमारे प्लेट फार्म के ऊपर यानी किचन के, तो दोस्तों किल हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद बेडरूम में की बात करी थी दोस्तों कि वेस्ट वाला जो हमारा डायरेक्शन था, वेस्ट या साउथ वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्ट यदि हम बात करें, ठीक, तो इस डायरेक्शन से दोस्तों यदि अपने विंडो प्रोवाइड कर रखी तो जो घर के अंदर जो सनलाइट होगी दोस्तों शाम के समय की, वो एक तरह से हमारे लिए क्या होगी, फ़ायदेमंद रहेगी दोस्तों एक तरह से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग रूम जो होगा दोस्तों वो नॉर्थ वाले डायरेक्शन से यदि होगा, तो घर के अंदर हमारे घर के अंदर क्या होती है प्रॉपर अमाउंट में एयर सर्कुलेशन होता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर के अंदर क्या होता है इसमें एयर सर्कुलेशन होता है और सनलाइट भी हमको डे समय में मिलती है दोस्तों। तो ये हमारा साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट में दोस्तों हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम या जिसको हम हॉल बोलते हैं वो होना चाहिए। स्टडी रूम की हम बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थ एस्पेक्ट का बोला था, वरंदा का बोला था मैंने, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में हमारा ये होना चाहिए ताकि इधर से हमारा दिन के समय पूरा जो दिन रहेगा उस समय हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिल सके नेचुरल रिसोर्सेज का। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल्स आता है दोस्तों, वो होता है हमारा प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द व्यूज एज सीन ऑफ द आउटसाइड फ्रॉम द डोर एंड विंडोज इन द एक्सटर्नल वॉल। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि यदि आपका मकान बना हुआ है दोस्तों, तो यदि हमने डोर विंडोज आपने किस प्रकार से दोस्तों आपने प्रोवाइड कर रखी है, मतलब उसका लुक किस प्रकार से दिखाई दे रहा है दोस्तों, कौन से टाइप की आपने डोर लगा रखा है, कौन से टाइप का आपने विंडोज़ लगा रखी है दोस्तों और किस मटेरियल्स की लगा रखी है दोस्तों, तो वह हमारे मकान जो हमारी बिल्डिंग से रहती है उसका प्रॉस्पेक्ट डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपने कौन से टाइप की डोर्स और विंडोज़ दोस्तों हमने प्रोवाइड किया, कौन से मटेरियल्स की प्रोवाइड किया है, ठीक है, किस रूम में किस टाइप का और कहाँ पे अरेंजमेंट किया है दोस्तों, वो होगा हमारा प्रॉस्पेक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी नदी नाले वगैरह दोस्तों, ठीक है, गंदे नाले यदि आपके घर के आसपास से निकल रहे दोस्तों, उस डायरेक्शन में विंडो आप प्रोवाइड ना करें दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उस दर से जो आपकी गंदी वाली जो स्मेल्स होती है वो आपके घर के अंदर इंटर होगी। ठीक है, तो इसके लिए उस डायरेक्शन में आपको विंडोज़ प्रोवाइड नहीं करना यदि आपके घर के आसपास से नाले निकल रहे हैं गंदे वाले तो। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार से प्रॉस्पेक्ट हमारा होना चाहिए ताकि जो व्यू हो दोस्तों हमारे घर का जो व्यू हो एक तरह से आपका प्लेजेंट वाला आपका व्यू हो। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट देखने को मिलेगा, अच्छा सा लुकिंग आपको घर का मिले देखने को। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों रिवर और समुद्र यदि है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है, वन गंदा वाला नाला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से, और यदि है भी सही दोस्तों तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे उसको आपकी जो विंडो होना चाहिए दोस्तों वो फिक्स्ड वाली विंडो होना चाहिए, मतलब खुलना नहीं चाहिए ग्लास वाली। अब हम बात करते हैं प्राइवेसी के दोस्तों, तो प्राइवेसी भी दोस्तों हमारी प्लानिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स मानी जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स माना जाता है दोस्तों कि यदि हमारी प्राइवेसी, यदि घर के अंदर कुछ भी हम कर रहे हैं दोस्तों तो बाहर वाले को नहीं पता चलना चाहिए, बाहर वाले को नहीं दिखना चाहिए, तो इस प्रकार से हमको विंडोज़ के अंदर ग्लास प्रोवाइड करना चाहिए, इस प्रकार से डोर प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से विंडोज़ प्रोवाइड करना चाहिए कि एक व्यक्ति यदि घर के अंदर है तो दोस्तों उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस प्रकार से डोर और विंडोज़ हमको प्रोवाइड करना चाहिए। घर के अंदर आपको जो डोर है वो उस लोकेशन में प्रोवाइड करना चाहिए कि आपको पूरे रूम के अंदर से ना गुजरना पड़े, एक साइड से आप निकल के चले जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों प्राइवेसी हम इसी को बोलते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग बोथ रेजिडेंशियल एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या पब्लिक बिल्डिंग हो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है प्राइवेसी को। प्राइवेसी ऑफ वन रूम फ्रॉम अनदर इन ए बिल्डिंग एज वेल एज प्राइवेसी ऑफ होल बिल्डिंग विद अदर बिल्डिंग शुड बी अचीव्ड। ठीक है दोस्तों, हमारी बिल्डिंग की जब प्लानिंग करते हैं तो प्राइवेसी हमारे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो प्राइवेसी की हम बात करें तो किस प्रकार से प्राइवेसी हमको मिलेगी, तो प्राइवेसी आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज ए होल कैन बी अचीव्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, मतलब दोस्तों आप घर के सामने आप प्लांट कर सकते हो, ट्रीज का प्लांट कर सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एंट्रेंस एवन कंपाउंड वॉल्स ऑफ रिक्वायर्ड हाइट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी ऑफ ट्रेसपासेस। दोस्तों आप घर के सामने आप छोटी वाली दीवार भी आप लगा के आप है ना कंस्ट्रक्ट करके भी आप अपने घर की प्राइवेसी आप रोक सकते हो ताकि बाहर वाले जो व्यक्ति है उनको आपके घर के अंदर का कुछ दिखे नहीं। ठीक, प्राइवेसी इन डिफरेंट रूम्स कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग डोर्स इन सच ए वे दैट मिनिमम व्यू ऑफ रूम इज सीन। ठीक है दोस्तों, आप डोर की लोकेशन इस प्रकार से प्रोवाइड करें कि आपको पूरा का पूरा जो कमरा है वो आपको दिखाई ना दे, मिनिमम व्यू आपको दिखाई दे व्हेन शटर इज ओपन, यदि आपका दरवाजा खुला है या शटर आपकी ओपन है तो। प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेडरूम्स। ठीक है दोस्तों, बेडरूम की यदि है आपको दोस्तों वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक, एंड व्यू ऑफ बेडरूम शुड नॉट बी विजिबल फ्रॉम एनी अदर रूम। ठीक है, तो दोस्तों जो बेडरूम का जो व्यू है दोस्तों वो किसी दूसरे पर्सन को आपको दिखाई ना दे, इस प्रकार से हमको डोर और विंडोज़ आपको प्रोवाइड करनी है। विंडोज़ यदि हमने प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों तो आपको ब्लैक वाले जो कांच होते हैं दोस्तों इससे होते हैं वो हमको प्रोवाइड करना है ताकि घर के बाहर से तो हमको दिखाई ना दे बट अंदर से हमको दिखाई दे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स
इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स विद रेस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। दोस्तों अलग अलग रूम का जो अरेंजमेंट है दोस्तों वो उसके फंक्शन के हिसाब से आप किस प्रकार करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द प्लान द ग्रुपिंग शुड बी डोर एज फॉलोज, डॉन एज फॉलो। किस प्रकार से दोस्तों आपको ग्रुपिंग करना है कि वरांदा शुड बी द फर्स्ट यूनिट, वरांदा जो आपको प्रोवाइड करना है दोस्तों वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करना है ना, आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर के अंदर यदि आप इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, वरांदा प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, लिविंग रूम प्रोवाइड करना है एंड डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज नेक्स्ट टू वरांदा। जो हमारा वरांदा है दोस्तों तो लिविंग रूम और जो डाइनिंग रूम होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, यानी पास में होना चाहिए वरांदा से, जिससे कि हम घर से बाहर या अंदर आसानी से आ जा सके, कोई डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों किचन एंड डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू इस अदर, इसके अलावा किचन और डाइनिंग रूम है दोस्तों तो वो भी हमारे आस पास में या कंबाइंड होना चाहिए या पास पास में होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि किचन से आसानी से हम डाइनिंग रूम के अंदर सामान ले जा सकते हैं, खाना बनाने वाले खाना, ठीक है, पर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेहमान वगैरह रहते हैं दोस्तों हमारे लिविंग रूम में ही रहते हैं तो वो भी आसानी से डाइनिंग रूम में पहुंच सके। तो इस प्रकार से का लिविंग रूम और डाइनिंग रूम और किचन रूम में दोस्तों, ठीक है, इनका जो ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, वो अच्छी होना चाहिए। सैनिटरी अरेंजमेंट शुड बी क्लोज टू बेडरूम्स, इसके अलावा जो भी बेडरूम्स है दोस्तों उसके आसपास में हमारा सैनिटरी अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी लेट बाथ होना चाहिए। स्टेयरकेस शुड बी अप्रोचेबल फ्रॉम ईच अदर, इसके अलावा यदि हम स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां यदि प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों तो इस प्रकार से प्रोवाइड करना चाहिए कि सारे व्यक्ति आसानी से या अप्रोच कर सके, उसका अप्रोचेबल होना चाहिए सारे रूम से दोस्तों। पैसेज कनेक्टिंग वेरियस रूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, इसके अलावा दोस्तों जो हम पैसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं घर के अंदर सर्कुलेशन पर्पस के लिए, तो इस प्रकार से करना चाहिए कि हमको मैक्सिमम लाइट और वेंटिलेशन दोस्तों हमको मिले। किचन में यहाँ पे किचन के साथ में डाइनिंग रूम अटैच कर रखा है ताकि खाना बनाने के बाद आप डायरेक्ट डाइनिंग रूम टेबल में आप खाना परोसे और उसको आप खा सके, ठीक है। हाल और हाल भी हमने दोस्तों क्या कर रखा कि जो हमारे डाइनिंग रूम में जो किचन उसके पास में ही हमने अटैच कर रखा है दोस्तों। और इसके अलावा बेडरूम में हमने क्या कर रखा है दोस्तों कि इसके साथ हमने लेट बाथ अटैच कर रखा है, इसके साथ ही हमने मास्टर बेडरूम जिसको बना रखा है लेट बाथ अटैच कर रखा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। ये एक और दोस्तों यहाँ पे कि जो किचन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने लिविंग रूम दिया है ना, जो हमारा पोर्च हो गया, वरांदा हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमने लिविंग रूम दिया है जो हाल हमारा होता है, ठीक है। ये डाइनिंग रूम हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये 3D व्यू दिया है दोस्तों, मैंने 3D मॉडल बना रखा है। और उसके अलावा ये किचन हो गया, उसके बाद ये बेडरूम हो गया दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पे हमने स्टेयरकेस भी प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है दोस्तों, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके वो हमारा आ जाएगा दोस्तों ग्रुपिंग में, और किस प्रकार से करें, ठीक है, तो वो फंक्शन के साथ में आ जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। ये एक और भी मैंने बता रखा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हाल के साथ में मैंने क्या कर रखा है, डाइनिंग रूम को अटैच कर रखा है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रूमिनेस, रूमिनेस क्या होता है तो सबसे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। रूमिनेस की दोस्तों हम बात करते हैं तो जो हमारे डायमेंशन होना चाहिए, जो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होना चाहिए दोस्तों, तो 1.2 से 1, ठीक है, या 1.5 से 1 तक होना चाहिए दोस्तों लेंथ और विड्थ का रेशियो, तो जिससे हमारे जो घर का जो लुकिंग, जो कमरे का जो लुकिंग रहता है दोस्तों वो एक तरह से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, यदि इस रेशियो में यदि हमने लेंथ और विड्थ का यदि रखवा है तो, ठीक है। तो और उसके बाद एक चीज़ और भी कि रोमिनेस में एक तो डायमेंशन का ध्यान रखना है कि लेंथ और विड्थ का जो रेशियो दोस्तों वो आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारा जो घर है, जो कमरा है दोस्तों, तो उसका जो कलर है दोस्तों, तो हमारा कलर कैसा होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए दोस्तों। लाइट कलर गिव अफेक्ट मोर स्पेस, ठीक है, लाइट डार्क कलर नहीं होना चाहिए। लाइट कलर यदि है दोस्तों तो आपको ज़्यादा स्पेस मालूम पड़ेगा वेयर एज डार्क कलर की तुलना में, ठीक है। इसके अलावा हाइट ऑफ सीलिंग रूम भी दोस्तों आपकी कितने होना चाहिए, बी लो एज मोर हाइट गिव्स एज फीलिंग ऑफ केव। यदि आपकी ज़्यादा हाइट है दोस्तों तो एक तरह से आपका केव यानी गुफा जैसा आपको लगेगा दोस्तों, तो आपका ज़्यादा हाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम होना चाहिए दोस्तों, सफिशियंट हमारी हाइट होना चाहिए। हाइट ऑफ डोर और विंडोज़ दोस्तों है तो इनकी भी हमारी सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है। मैन कहा जाए दोस्तों तो हमको जो डोर विंडोज़, ठीक है, या जो सीलिंग की जो हमको हाइट रखना है दोस्तों वो सफिशियंट रखना है, ठीक है। लेंथ और विड्थ का रेशियो रखना है दोस्तों हमको इस प्रकार से रखना है, 1.2 से 1 मीन, ठीक है, या 1.5 से 1 तक हमको रेशियो रखना है दोस्तों। कलर की बात करें तो आपको लाइट कलर प्रोवाइड करना है दोस्तों, ठीक है, जिससे हमारे घर का जो अपीरियंस रहे, जो स्पेस है वो थोड़ी हमको ज़्यादा मालूम पड़े दोस्तों, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। अलग अलग डायग्राम मैंने बता रखे हैं, इमेज बता रखी है दोस्तों, इस प्रकार से हमको ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा कम प्रोवाइड करना है। यदि लाइट का भी ध्यान रखना है कि लाइट यदि हमने प्रॉपर अमाउंट में यदि अच्छे से यदि हमने लाइट प्रोवाइड कर रखी है उसके अंदर, कलर की बात करें तो अच्छे से कलर प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, तो हमको स्पेस भी अच्छा मालूम पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि एक जो रूम है वो आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो। कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ए रूम विच हैज़ प्लान्ड फॉर वन फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर अदर, मतलब आपने उसको प्लान तो किसी एक फंक्शन के लिए किया है दोस्तों, पर उसको किसी दूसरे फंक्शन के लिए भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि हमने किचन बनाया है बट उसको हमने ज़्यादा बड़ा बना लिया है, ठीक है, यदि हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो किचन को दोस्तों आप उसको डाइनिंग रूम के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। लिविंग रूम
दोस्तों हमने बना रखा है, पर यदि उसमें हमारे पास स्पेस है दोस्तों तो वहाँ पे भी आप डाइनिंग रूम के रूप में भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ लार्ज और बिग इनफ एंड हैविंग ए मिनिमम विड्थ ऑफ 3 मीटर आर मोर फ्लेक्सिबल इवन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रूम्स कैन बी एक्सचेंज। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके पास ज़्यादा है तो इसको आप इस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाल में हमारे पास ज़्यादा समय था तो इसलिए इसको हाल को हमने डाइनिंग रूम के साथ भी हमने उसको अटैच कर दिया ताकि उसको हम डाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक और ये, ठीक है, यहाँ पे हमने डाइनिंग और किचन रूम को हमने एक साथ में यूज़ कर रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों कि जो भी हमने यूनिट्स बनाई है दोस्तों वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाई है, बट उसका एरिया यदि ज़्यादा है तो उसको किसी दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी आप उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब होता है दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने है ना हाल के साथ में हमने क्या कर दिया, लिविंग रूम से हमने टेबल अटैच कर दिए जिसको खाना वगैरह खा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हमारा समय भी ज़्यादा ना हो तो हाल के अंदर ही हमने इधर से देखते हैं तो यहाँ पे हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड कर दिया, लेट बाथ के साथ में हम बेडरूम वगैरह लेट बाथ अटैच कर देते हैं, मास्टर बेडरूम जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फर्नीचर रिक्वायरमेंट। फर्नीचर रिक्वायरमेंट भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमारा यूनिट होती है दोस्तों बिल्डिंग्स के अंदर सॉरी कि यदि आपने फर्नीचर का अरेंजमेंट यदि सही से नहीं किया दोस्तों तो आपका जो मकान की जो प्लानिंग है दोस्तों वो आपकी फेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको फर्नीचर का अरेंजमेंट आप किस प्रकार से करें दोस्तों, ठीक है, कि हमको जो फर्नीचर में सोफा आपको कहाँ पे रखना है, बेड की कितनी विथ रखना है दोस्तों, तो उसका किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करें वो आएगा हमारा फर्नीचर रिक्वायरमेंट में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिल्डिंग प्लानर इज टू नो हाउ मच स्पेस इज नीडेड बाय ईच फंक्शन इन ए पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है, पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है उसके अंदर कौन से फंक्शन के लिए कितनी स्पेस हमको चाहिए रहेगी। द रूम साइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट फर्नीचर टू बी यूज्ड इन द रूम, हैंस व्हाइल प्लानिंग ए बिल्डिंग फर्नीचर अरेंजमेंट मस्ट बी शोन। ठीक है दोस्तों, जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें जो फर्नीचर का अरेंजमेंट है दोस्तों उसको भी हम दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3D मॉडल बना रखा है दोस्तों एक प्लानिंग का, इसमें बता रखा है कि मैंने किचन का प्लेटफॉर्म लगा रखा है। ठीक है, लिविंग रूम की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर मैंने लगा रखे हैं, टेबल लगा रखी है, डाइनिंग टेबल लगा रखी है, सोफा लगा रखे हैं ताकि आपको स्पेस भी आपको दिखाई दे कि यदि इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे दोस्तों तो कितनी क्या स्पेस हमारे लिए बचेगी। बेडरूम्स में यदि दोस्तों आप लोग इस प्रकार से यदि करेंगे तो आपको कितनी स्पेस बचेगी, बेड लगा देंगे आप, अलमीराज लगा देंगे, ठीक है, या जो भी आप उसके अंदर फर्नीचर यूज़ करने वाले दोस्तों यदि उसको आप अरेंजमेंट कर देते हैं तो कितनी हमारे पास स्पेस यूटिलाइजेशन पर्पज़ के लिए बचती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर आपका फर्नीचर का अरेंजमेंट भी दिखाते हैं। ठीक, इस प्रकार से उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है दोस्तों आपको मूवमेंट करना। ठीक है, मूवमेंट करना मतलब इधर से उधर, के ऐसा तो नहीं कि हम लिविंग रूम के अंदर ही बैठे रहेंगे, किचन के अंदर ही खाना बनाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेडरूम के अंदर ही सोए रहेंगे या बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आपको मूवमेंट करना है, सर्कुलेट करना है, इधर से उधर घूमना है दोस्तों आपको। खाना खाने के बाद फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, खाना खा लिया या इधर से उधर आपको टहलना है दोस्तों, तो आपको रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर आपको जो स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं सर्कुलेशन मूवमेंट के लिए दोस्तों वो आएगा हमारा सर्कुलेशन के लिए। तो सर्कुलेशन दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल हो सकता है और एक वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल की यदि हम बात करें तो जो हम गैलरीज प्रोवाइड करते हैं, बालकनीज प्रोवाइड करते हैं, जो गली या कॉरिडोर हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है, वरांदा प्रोवाइड करते हैं, तो वह हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में आता है। वर्टिकल में यदि हम बात करते हैं तो लिफ्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होगा वो हमारा वर्टिकल में आएगा। ठीक है, तो सर्कुलेशन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन टू और आउट ऑफ ए रूम, या तो घर के अंदर या घर के बाहर, तो इट इज़ द इंटरनल मूवमेंट इनसाइड द बिल्डिंग एंड द एरिया इन बार्केट फॉर इट। सर्कुलेशन एरिया शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे मिलना चाहिए, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन मिलना चाहिए दोस्तों जहाँ पर भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं। सर्कुलेशन शुड नॉट अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ए रूम। और हाँ, एक चीज़ और कि सर्कुलेट यदि हम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं इधर से उधर दोस्तों, तो उससे हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, सर्कुलेशन इन ए बिल्डिंग ऑप्टिमाइज हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एंड वर्टिकल सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन विद इन ए फ्लोर पे यदि हम कर रहे हैं दोस्तों तो वह हमारा हॉरिजॉन्टल में आएगा, और यदि आप यदि बिटवीन दो फ्लोर के बीच में कर रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि स्टेयर के सीढ़िया यूज़ करके, तो वह हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लाइटनिंग की। ये लाइटनिंग का वैसे उधर हो ही गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि घर के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हमारी लाइट मिलना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे घर के अंदर मिलना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा आखिरी माता है कि हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया, बात करते हैं एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी आपने प्लानिंग की है दोस्तों, तो उसमें डोर विंडोज़ या जो भी आपने व्यू बनाया है दोस्तों, उसकी जो एलिवेशन बनाया है दोस्तों, वो किस प्रकार से आपका एलिवेशन हो जिससे हमारा जो मकान हो, हमारे जो सपनों का घर हो दोस्तों, वो सबसे अच्छा हमको लगे, दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे। तो एलिगेंस रिफर्स टू द प्लानिंग ऑफ एलिवेशन एंड लेआउट ऑफ
प्लान टू गिव एन इम्प्रेसिव अपीयरेंस टू द बिल्डिंग। दोस्तों आपको एक इम्प्रेशन दिखाई दे, आपको एक इम्प्रेशन मालूम पड़े, सबसे अच्छा आपको आपका मकान दिखाई दे, तो उसके लिए आपको एलिवेशन किस प्रकार से बनाना दोस्तों, कितनी हाइट होना चाहिए, क्या डोर का टाइप होना चाहिए, क्या विंडोज होना चाहिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको एक एस्थेटिक आपको बिल्डिंग के अंदर एलिजेंस आपको दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो एलिगेंस का मतलब होता है कि दोस्तों आपकी बिल्डिंग का जो एलिवेशन है दोस्तों, वो एलिवेशन यानी आपका बाहर से जो मकान नहीं, जो बिल्डिंग है दोस्तों, वो किस प्रकार की दिखने वाली है दोस्तों। तो आपका जो मकान है, आपका जो सपनों का घर है दोस्तों, वो आप चाहेंगे कि वो आपका खूबसूरत दिखे, सबसे अच्छा आपको दिखे। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स, आपको कुछ यूनिट ध्यान रखना है कुछ आपको, ठीक, कि आपका जो इंप्रेशन है वो सबसे अच्छा दिखे आपके बिल्डिंग का। तो उसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए कि द प्रॉपर विड्थ होना चाहिए आपकी बिल्डिंग्स की, प्रॉपर विड्थ होना चाहिए, जो भी आपने उसके अंदर यूनिट्स प्रोवाइड किए, डोर विंडोज, ठीक, तो उनकी हाइट अच्छी से होना चाहिए दोस्तों। लोकेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज आपकी प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए। मटेरियल्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि आप मटेरियल्स अच्छा, कलर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों अच्छा, ठीक है, तो मटेरियल्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, ठीक है, वो आपका एलिगेंस को क्रिएट करने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। द रिजल्ट ऑफ एलिगेंस एस्थेटिक ऑफ बिल्डिंग, तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपने प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर यदि हमने सब कुछ यदि यूज़ किया है दोस्तों, तो आपका एलिवेशन होगा, गारंटी लेता हूँ कि वह सबसे बेस्ट होगा दोस्तों, आपका सबसे अच्छा घर होगा, आपका सबसे खूबसूरत घर होगा, आपका मकान होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने कुछ एलिवेशन बना रखी है, तो इस प्रकार से आपके बिल्डिंग्स के जो एलिवेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे, यदि हमने सब कुछ यदि प्रॉपर हमको अच्छे से, है ना, विड्थ हमने अच्छे से प्रोवाइड की है, हाइट अच्छे से प्रोवाइड की है, डोर विंडोज यानी हमने कौन से टाइप के और किस प्रकार के प्रोवाइड किए, कौन से मटेरियल्स हमने यूज़ किया दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक लुकिंग जो प्रेजेंट होगा वो आपका सबसे अपीयरेंस जो होगा वो एक अच्छा एस्थेटिक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी आप दोस्तों चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये मैंने केवल आपके लिए ठीक एक डेमो दे रखे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी दोस्तों, आपका मकान बन गया है पर क्या आपका मकान सामने वाला जो भी है भैया ओनर जो है वो क्या सेटिस्फाई है या नहीं है, जो भी खरीदने वाला है दोस्तों, तो वो उसे क्या संतुष्ट है या नहीं है। तो बिल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, बिल्डिंग की हम बात करते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग शुड बी कैरिड आउट इन द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ द क्लाइंट, जो भी दोस्तों आपका जो क्लाइंट है जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्लान, जो नक्शा बना रहे हैं दोस्तों, तो वो आपके उससे क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि उसको प्लान बना के दे दिया और भारी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता दोस्तों, आपका जो प्लान है, जो आपके जो बिल्डिंग बना रहे हैं दोस्तों, तो वो आपकी इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। एन इंजीनियर शुड नो इन एडवांस द क्लाइंट इंटेंट्स टू स्पेंड फॉर द बिल्डिंग, जब हम प्लानिंग करते हैं दोस्तों तो हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आप कितना क्या खर्च कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग आइटम्स, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टेगेज सजेस्टेड बाय एस्टिमेशन, प्रपोज्ड अमाउंट शुड बी डायरेक्ट एंड इस पर द प्रोग्रेस शुड बी फॉलोड टू अवॉइड डिले एंड वर्क प्रोग्रेस। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी हमारा क्लाइंट है, ठीक है, या जो भी ऑनर है दोस्तों, तो वह हमारा क्या होना चाहिए, जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने बिल्डिंग्स बनाई है दोस्तों, उससे क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिटेशन की बात करते हैं दोस्तों, कि जो भी हमारा सप्लाई है लाइटनिंग पर्पज़ के लिए दोस्तों, हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सैनिटेशन में जहाँ पर भी हमने यूज़ किया है दोस्तों सैनिटेशन, वहाँ पे प्रॉपर लाइट और एयर सर्कुलेशन भी हमारा ना होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए वहाँ पे, प्रोविजन ऑफ क्लीननेस, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन एंड सेंट्रल यूनिट्स, अवॉइड ग्रोविंग ऑफ बैक्टीरियाज एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड गिव हाइजेनिक कंडीशन। तो वहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, यदि आपने क्लीनिंग नहीं करी है, यदि अच्छे से लाइटिंग नहीं दी, वेंटिलेशन भी आपने अच्छे से नहीं दिया दोस्तों, तो आपकी जो गैसेस रहती है, स्मॉल गैसेस रहती है दोस्तों, वो आपके उल्टी डायरेक्शन में आपके घर के अंदर एंटर हो जाएगा, जिसके आपको बीमारी भी हो सकती है, हाइजेनिक कंडीशन आपके घर के अंदर डेवलप हो सकती है, ठीक है, तो जो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तीन, बॉथ एंड WC ग्लेज्ड टाइल्स एंड डेडोस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन वॉल टू मेंटेन क्लीन कंडीशन। दोस्तों आपको क्या करना है सैनिटेशन के लिए, आपके बाथरूम के अंदर हमको ग्लेज्ड की जो टाइल्स होती है, जो डेडोस की टाइल्स होती है दोस्तों, वह हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, जिससे हमारी जो बाथरूम की जो दीवार है वो हमारी साफ और सुथरी हो। द वेंटिलेटर इन बॉथ एंड, है ना, बॉथ WC परमिट सनलाइट, वेंटिलेशन भी दोस्तों आपका WC, है ना, जो हमारा वाटर क्लोजेट है दोस्तों, बाथरूम में जो लेटरिंग है उसके अंदर भी हमारा जो वेंटिलेटर है दोस्तों, वो एक छोटा वाला वेंटिलेटर हमको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उसके क्या हो, सनलाइट हो, एयर सर्कुलेशन हो, ठीक है, मेंटेन हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन कर सके। फ्लोरिंग मटेरियल शुड बी इजी टू क्लीन, जो भी हम फ्लोरिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों बाथरूम के अंदर, वो हमारे आसानी से क्लीन हो जाना चाहिए, स्कर्टिंग मतलब फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाथटब्स, WC किचन सिंक शुड बी मेड ऑफ सिरेमिक मटेरियल टू मेंटेन क्लीन, ठीक है, जो भी हम सिंक वगैरह, किचन का सिंक वगैरह जो बना रहे हैं, बाथ का जो टब वगैरह बना रहे हैं दोस्तों, वाश बेसिन जो बना रहे हैं दोस्तों, तो वो भी हमारे सिरेमिक मटेरियल्स का होना चाहिए, ताकि आसानी से हमारा क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, सैनिटेशन का होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों एक बोर भी फिर लाइट की बात करते हैं दोस्तों, लाइट जो था हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे क्या होना चाहिए, अंडर वाल होना चाहिए दोस्तों, वाल के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। ये मैंने कोशिश की है, मेरी पूरी कोशिश की 100% मैंने दिया है, ठीक है, और आगे भी कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं हूँ आरसी चौहान, आरसी टीचर, प्रोफेसर आरसी चौहान, बहुत भी बोल सकते हो आप, गीता देवी एजुकेशन अकेडमी उज्जैन दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।